हर घर में शौचालय हो गया, जहाँ तक शौचालय नहीं हुआ करते थे, और आज जो है हर जगह शौचालय हो गए। कई जगहों पे लोगों को पहले आवास मिलते थे और सरकारों में, लेकिन पर में भी 20,000 रुपये मिलता था और उसकी नेह भी नहीं भरी जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा अमाउंट दिया जिससे उनका पूरा घर तैयार हो गया। तो ये जो लोग कह रहे हैं वो गांव में जाएं और देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा काम किया है श्री नरेंद्र मोदी। ये जो मोदी ने किया ना वो 4.5 साल में, वो 70 साल में किसी ने नहीं किया। मैं तो डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, आपको शर्त लगा लो इस बात से। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं हर्ष शर्मा और आज जानेंगे कुछ लोगों से कि महागठबंधन आएगा या फिर अब की बार आएगा मोदी। आइए जानते हैं कुछ लोगों से इस बारे में। सर अब की बार नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी या फिर आएगा महागठबंधन? नरेंद्र मोदी सरकार आएगी, मैं चैलेंज कर देता हूँ। सर क्यों, और कोई नहीं, महागठबंधन है, गठबंधन सरकार आएगी ना तो नरेंद्र मोदी की टिकट ज्यादा है, सबसे आगे सरकार आएगी नरेंद्र मोदी की। सर मोदी की आएगी भाई साहब, मोदी की सरकार आएगी। सर क्यों मोदी, हर जगह मोदी मोदी आ रहे हैं? बिल्कुल मोदी के जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं, बंदा ही नहीं, कोई उसके जैसा कोई आदमी नहीं है, मोदी के जैसा कोई पूरे देश के अंदर उसके जैसा नेता नहीं है। तो कौन आएगा? मोदी आएगा, मोदी को डालेंगे। राहुल गांधी या मायावती? राहुल गांधी मायावती हम जानते नहीं कौन है, क्या बीमारी है हम नहीं जानते, जानते नहीं। चौकीदार ही काम करेगा, ये देश का प्रधानमंत्री चौकीदार बन के ही काम करेगा। हाँ 100% चैलेंज के साथ। चौकीदार को तो चोर कहा जा रहा है लगातार, वो राहुल गांधी कह रहा है, मैं तो चैलेंज से कह रहा हूँ, ये गद्दार है। और बाकी आम आदमी पार्टी और जो पहले महागठबंधन को भी मौका नहीं दिया जाएगा? गठबंधन सरकार आएगी 100% आएगी, सीट ज्यादा आएगी। नरेंद्र मोदी सीट 99-99 है। हाँ गाड़ी केजरीवाल की सरकार नहीं आएगी, मोदी ही आएंगे। 100% मोदी जी ही आएंगे यहाँ पे कहा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है। कुछ और लोगों से जानेंगे कि मोदी के अलावा कोई और चांस है? सर जी हाँ चांस है, मोदी के अलावा और कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं है, मोदी ही आएगा। राहुल गांधी? कोई नहीं, राहुल गांधी भी नहीं आएगा। क्या क्या काम करा है ऐसा मोदी ने कि मोदी का ही गुण गाया जा रहा है? इसलिए गाया क्योंकि गरीबों के लिए हक में सही कर रहा, वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए कर रहा, चाहे दिल्ली में नहीं कर रहा लेकिन बाहर जरूर कर रहा गरीबों के लिए, लेकिन लोग वहाँ उसको समझ नहीं रहे, क्योंकि अनपढ़ आदमी जो है वो समझ नहीं रहा, पढ़े लिखे जो है वो सोच रहे हैं कि हमारा फ़ायदा होना चाहिए, गरीबों का फ़ायदा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी कुछ है मोदी अच्छा कर रहा है, अगर आपका आएगा तो इस बार भी अच्छा करेगा मोदी, क्या समझा? इसके अलावा कोई नहीं, हम तो हमेशा मोदी को देंगे। हालांकि हम 70 साल से कांग्रेस को दे रहे थे, लेकिन 70 साल से हमारे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ जब फ़ायदा हुआ कि गरीबों को उसने अच्छा किया, सिर्फ हमारे लिए नहीं सिर्फ बाहर गांव देश में करा, वो अच्छा किया हमारे लिए। मतलब राहुल गांधी का कोई चांस नहीं है? कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है तो उसका कोई चांस नहीं है आपके पास? आ भी सकती है लेकिन सीटें कम हो सकती है, लेकिन इतना कह नहीं सकता, लेकिन सीट कांग्रेस की कम हो सकती है बस, इसके अलावा पूरी हुकूमत से नहीं आ सकती। ना झाड़ू वाला आएगा केजरीवाल, ना अगर आएगा तो मोदी ही आएगा, कोई नहीं आएगा। सर अब की बार नरेंद्र मोदी की सरकार या महागठबंधन? अब की बार किसकी सरकार, बड़ा सवाल है, नरेंद्र मोदी या महागठबंधन? नरेंद्र मोदी। सर क्यों नरेंद्र मोदी? सर जो भी बड़े फैसले लेते हैं मोदी जी ने लिए हुए हैं, इस बार स्ट्राइक वगैरह जो भी हुई है नरेंद्र मोदी से पहले किसी ने कभी करी नहीं, जो भी है फैसले टल जाते थे। लेकिन सर चौकीदार को तो चोर कहा जा रहा है, जो चोर कह रहा है वो वही खुद चोर होंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं, आपका इस बारे में कुछ कहना है? तो सर राहुल गांधी की फैमिली पहले से इकट्ठा करती आई है, अब उनको मौका नहीं मिल रहा ना आगे का। सर आपका इस बारे में क्या कहना है, चौकीदार चोर कहा जा रहा है? चोर कहने वाला खुद चोर है। तो मतलब कांग्रेस पार्टी इसका, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वेस्ट प्रधानमंत्री है, अगली बार उन्हीं को आना चाहिए। अगर देश को, भारत देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को हमें दोबारा लाना है, ना मुलायम, ना अखिलेश, ना राहुल गांधी, ये सारे चोर है, ये सब एक ही चट्टे बट्टे के आदमी हैं, समझे? अगर इंडिया को सही सलामत रखना है तो हमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को दोबारा इंडिया में लाना है,
तो बाकी हमें कुछ नहीं कहना। मतलब महागठबंधन चोर है, सब चोर है। राहुल गांधी के लिए दो शब्द, राहुल गांधी तो बेकार आदमी है, वो तो कहा था खाओ और खिलाओ, उसका ही हाल है। धन्यवाद सर। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे इस बारे में। सर आपका इस बारे में क्या कहना है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी या महागठबंधन? मोदी की सरकार आएगी जी, सरकार मोदी जी की आनी चाहिए, देश के लिए बढ़िया है। सर और भी नेता हैं राहुल गांधी वगैरह, इस बारे में कुछ बोलना है? मोदी बेस्ट। फिर भी राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश सब बेकार ही भाई। कुछ नहीं, क्यों नरेंद्र मोदी अच्छा? भाई जब देश तरक्की कर रहा है, दुनिया सब लोग साथ है, मोदी जी साथ में है। चौकीदार चोर कहा जा रहा है लगातार, ये कहने की बात होती है? अभी ओवैसी ने कहा है कि चौकीदार चोर है, चौकीदार के भाई है, सब कहने की बात होती है। सर सही है यार, नरेंद्र मोदी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यूथ की राय सबसे ज़्यादा, यूथ को कुछ फ़ायदा हुआ है? हाँ बिल्कुल यार, कोई नहीं, नरेंद्र मोदी आने चाहिए। तो यूथ के हिसाब से भी नरेंद्र मोदी? बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी वो आएंगे तो यार सही है यार, आतंकवाद कम हो जाएगा, आतंकवाद कम हो जाएगा। और भी कुछ हो रहा है या फिर आतंकवाद? बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, जॉब भी सब कुछ है, सब ठीक है। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और पूछते हैं कुछ और लोगों से। सर आपका क्या कहना है? सर क्या हमारा तो महागठबंधन तो आएगा, हम तो भाई मुलायम सिंह को वोट देंगे, वही बनेगा। अखिलेश यादव को वोट दिया जाएगा? तो सर अखिलेश यादव, मोदी ने क्या काम नहीं करा? दूसरे लोगों से पूछ के मैं परेशान हो गया, सब मोदी मोदी कहते रहते हैं, आप बताइए मोदी ने क्या क्या नहीं करा है? देखो ऐसा, हम तो यूपी के लेके चलते हैं, ठीक है। यूपी में योगी ने क्या किया था, सारी मतलब गांव पे बैन लगा दी, किसान इतना परेशान हो गया भाई साहब, खेतों में अनाज सारी रात सोता है किसान, गाय के लिए कोई इंतजाम तो किया ही नहीं सर। लेकिन जब तक अखिलेश यादव थे काफ़ी चोरी होती थी, वो लगातार हमले होते हैं लगातार, लेकिन अब जब से एनकाउंटर हुए हैं सर, 118 एनकाउंटर हुए हैं यूपी में, पहले भी हुआ है सर ये तो। लेकिन जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था? नहीं हुआ है, बहुत हुआ है सर। सर आपका इस बारे में क्या कहना है, नरेंद्र मोदी या और कोई? भाई कोई भी बैठे सरकार, लेकिन काम ढंग से करे, तरीके से करे। आज मार्केट में क्या काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, सेल नहीं है, दुकानदार खाली बैठा हुआ बाहर घूम रहा है। पहले यहाँ पर काउंटर में माल होता था, ग्राहक होते थे, मेन चीज़ है बिजनेस का, बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? सर काम तो लगातार हो रहा है, हर कोई कर रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है, आपको इस बारे में? छोटे दुकानदार तो डूब गए ना, जो छोटे मिडिल क्लास के तबके दुकानदार हैं वो तो बेचारे डूब गए ना। जो चीज़ पर जो 85 रुपये की बोतल आ रही है पेप्सी की, अब वो 35 रुपये की ऑनलाइन बिक रही है, तो छोटी दुकानों पर कौन जाएगा? सर अगर आप अपना बिजनेस भी ऑनलाइन कर सकते हैं, ये बहुत तगड़ा, बहुत ज़्यादा फायदा हो गया है देश को फायदा हो रहा है सर। भाई देश को तो फायदा होना चाहिए, देश फायदा होगा तो हमारे को भी फायदा होगा, लेकिन तरक्की तो जब ही होगी जब नीचे से छोटे वाले बंदों को भी साथ लेकर चलोगे। तो आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, राहुल गांधी को? यार एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, तो जो पब्लिक के लिए अच्छा करे वही बनना चाहिए प्रधानमंत्री। मोदी जी ने सही किया, कुछ काम अच्छे किए हैं भाई, कुछ जहाँ 4 काम 10 काम अच्छे हो रहे हैं तो 2 काम गलत भी हो रहे हैं, तो उसको गिनती कोई नहीं होती। तो मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी? हाँ सरकार तो उसी की आई है भाई, चाहे जो मर्जी कर ले, बहन चो मृत्यु जाप करा ले कांग्रेस की, मेरी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने अपना 70 साल राज किया, उसके बाद उन्होंने अपनी इमेज ही नहीं बनाई। कुछ और लोगों से जानेंगे कि किसकी सरकार आनी चाहिए। सर किसकी सरकार आनी चाहिए आपकी बार, महागठबंधन आना चाहिए आपकी बार आपके हिसाब से? हमारे साथ कोई नहीं आना चाहिए, लाइन पे करें। देखो जी सरकार उसकी आनी चाहिए जो काम बढ़िया करे, हमारे हम तो उम्मीद कर सकते हैं, बढ़िया क्या होना है, उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद तो दुनिया कायम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी तो फिलहाल दिखाई दे रहे मोदी जी, दिखाई दे रहे मोदी जी आएंगे। सर क्यों मोदी जी, जिससे पूछा जा रहा है सब मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं? ये पब्लिक से पूछे ना, अच्छा ये राहुल गांधी जी को बताएंगे कि मोदी जी आना चाहिए, ये खुद बोलेंगे? नहीं फिर भी राहुल गांधी को भी सपोर्टर्स होने चाहिए। राहुल गांधी के सर सपोर्टर के बीच बीच में काम अच्छा करते हैं और बीच में ऐसे कोई गलतियां कर देते हैं जो पब्लिक फिर गायब हो जाता है, मिसप्ले हो जाते हैं जिसको बोलते हैं। तो मतलब इस बार भी मोदी सरकार आएगी? हाँ हमारे साथ हम नहीं पूरा दुनिया कर रही है, मोदी सरकार ही आनी चाहिए, मोदी ही आना चाहिए। सर चौकीदार को चोर कहा जा रहा है, इस पर कुछ कहना है आपको? सर कहने के लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि मोदी जी क्या है, देश के PM हमारे क्या है, और देश में हित के लिए बढ़िया काम कर रहे बेचारे, और होना भी चाहिए,
नौजवान भी है, सब उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो सब बेटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपका इस बारे में क्या कहना है? नो कॉमेंट्स, मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। प्रधानमंत्री किसे बनाना है ये तो चाहते होंगे ना सर, कौन सी पार्टी का बने या पॉलिटिक्स पे कोई नो कमेंट। प्रधानमंत्री के लिए बटन भी नहीं दबाएंगे कि मैडम बताएगी? सोनिया मैडम, देश का पीएम मैम, देश का प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहिए? मेरे को बना दो यार, किसी को दो ना। नहीं, महागठबंधन या मोदी? सर मोदी ही हो रहा है मैम, मोदी हो रहा है हर तरफ, राहुल गांधी को नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मोदी। सोनिया मैडम जिंदाबाद। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे इस बारे में, जानकारी हमारी चर्चा चलती रहेगी, कुछ और लोगों से जानेंगे, आइए चलते हैं। सर अब की बार नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी या महागठबंधन? नरेंद्र मोदी आना चाहिए। सब जिसे देखो वो नरेंद्र मोदी कह रहा है, कोई और चांस नहीं है महागठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव? महागठबंधन में क्या फायदा है ये समझाओ, थोड़ा सा समझाओ ना आप, थोड़ा सा समझा दो। आपके हिसाब से गठबंधन? ठगबंधन ये एक, लेकिन सर चौकीदार चोर बोला जा रहा है लगातार, इस बारे में तो कुछ बताएंगे आप? अरे यार हर सब चौकीदार हैं मैं भी तो काम लगातार चौकीदार को ही बनाया जाएगा आपकी बार भी प्रधानमंत्री? बिल्कुल। कोई और चांस सर आपके हिसाब से? नहीं सर, मोदी आएगा इस बार, मोदी ही आएगा जी, और कोई ऑप्शन नहीं है। चौकीदार चोर के बारे में कुछ बोलना है? काम होता तो कोई ना कोई बोलता ही है। तो लगातार जो राहुल गांधी बोलते रहते हैं उनकी बात पे कोई ध्यान देगा ऐसे? मुश्किल है, वो बोल रहा ना बोल रहा बराबर है जी, वो तो उसका बोलना ना बोलना बराबर है, हंसी आती है उसकी बातों पर। ये है कि हमारा वोट तो बीजेपी को ही जाए, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, कुछ काम कराया उसने 70 सालों में पिछले? हमारे सामने जो इस टाइम जो काम हो रहा है हम तो उसके बारे में बोलेंगे ना, जो पीछे क्या हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अभी जो हो रहा है प्रेजेंट देखते हैं लोग। अब सर लोग कहने लगातार कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, यूथ को जॉब नहीं मिल रही है, काम नहीं हो रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा नरेंद्र मोदी। काम तो कर रहा है लड़का, ये काम नहीं कर रहा है, नहीं करना चाह रहा तो नहीं मिलेगी, जो करना चाह रहा है वो तो जी कुछ भी कहीं से भी कमा खा लेगा, कोई रेडी कोई रिक्शा चला लेगा लेकिन कमा के खा लेगा, और नहीं करना चाह रहा उसके लिए तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, उसे तो अमेरिका में भी जॉब ना मिले। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और जानकारी चाहेंगे। नरेंद्र मोदी की सर। सर राहुल गांधी को कोई मौका देना चाहेगा इस बार? नहीं सर, मौका नहीं देना चाहेगा। कोई स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी खड़े हैं आपकी बार, कोई चांस है वहाँ से भी जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। अमेठी से भी, अपने घर से भी? नहीं घर से भी नहीं, बेदखल कर दिया गया है बिल्कुल। बिल्कुल कर दिया, देश में मौका नहीं? बिल्कुल मौका नहीं सर। लेकिन सर चौकीदार को चोर बोला जा रहा है, आपको इस बारे में कुछ बोलना है? ऐसा ना, पहले सब लोग कर गए, अब जो मोदी सर कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो मोदी सर ही चाहिए। सर आपका इस बारे में क्या कहना है? नरेंद्र मोदी सर, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है, एक साथ किया है। जैसे अगर मैं अपने गाँव को देखूं, भारत की जो आबादी है सबसे ज़्यादा आबादी गाँव में बसती है, तो आज सबके पास लगभग शौचालय है, सबके पास आवास है, जो गरीब तबके के लोग थे, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ही दोबारा नरेंद्र मोदी जी। लेकिन सर लोग कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, नरेंद्र मोदी काम नहीं करवा रहे। वो तो लोग जो ये कह रहे हैं वो जाके गाँव में घूमे, मैं भी अभी जल्दी गांव गया हुआ था तो वहां देखा मैंने कि हर घर में शौचालय हो गया, जहां तक शौचालय नहीं हुआ करते थे, और आज जो है हर जगह शौचालय हो गए, कई जगहों पे लोगों को पहले आवास मिलते थे और सरकारों में, लेकिन पर मैं भी 20,000 रुपये मिलता था और उसकी नेह भी नहीं भरी जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा अमाउंट दिया जिससे उनका पूरा घर तैयार हो गया। तो ये जो लोग कह रहे हैं वो गांव में जाएं और देखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा काम किया है श्री नरेंद्र मोदी। सर चौकीदार चोर कहा जा रहा है, इस बारे में आपको कुछ कहना है? बिजली का विकास भी किए हैं काफ़ी नरेंद्र मोदी ने हर गाँव में, और काफ़ी विकास हुआ है गांव-गांव में, और यहां तो अभी धीरे धीरे होगा, कई पार्टी से यहां पे उसको पकड़ने के लिए टाइम चाहिए अभी। बाकी यह है कि ठीक है, जो सरकार
चुनेंगे जनता वही सही है। तो मतलब मोदी की वापसी पक्की है? मोदी तो जी ग्रेजुएट है, बिल्कुल अच्छा है, काम अच्छा किया है तो अच्छा ही आएगा, वो रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए उसका भी। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, और तो देखो जी अब नेताओं ने अपना अपना पॉलिटिक तो चलाएगा ही, कुछ ना कुछ तो किसी की गलतियां निकालता ही है एक दूसरे की। पर जो राहुल गांधी का कोई वापसी के चांस हैं? राहुल गांधी तो सर ऐसा ही है, प्रचार तो हर जगह ही करते हैं, पर कोई काम कोई बैठ के साथ मोदी से मिलके या कोई काम ऐसा करे कि जो जनता को फायदा हो, जब जनता को तकलीफ फायदा हो जाए तो शायद राहुल गांधी का भी चांस मिल सकता है। सर आपकी बार किसकी सरकार, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या महागठबंधन, किसकी? राहुल गांधी। वैसे तो राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, हमारे हिसाब से तो राहुल गांधी जिंदाबाद, क्योंकि मोदी जी ने बड़े अत्याचार करे हमारे ऊपर, गरीबों का पैसा खाया, खूब दबा कर खाया। और सर अभी मैंने पीछे पूछा था किसकी जानकारी, किसको मौका मिलना चाहिए, तो राहुल गांधी का ऐसा सबका विचार थे कि क्या करा है, किस लिए बनाया जाए उन्हें। भैया अब राहुल गांधी जी को एक मौका दिया जाए, वैसे क्योंकि मोदी जी को हमने एक मौका दिया था, उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आए नहीं, और फिर बुरे दिन बहुत आ गए थे लोगों के, जीएसटी लगा दी, ये लगा दिया, वो लगा सर जीएसटी से तो लोगों को फायदा हो रहा है ना, लगातार फायदा हो रहा है, क्योंकि फायदा नहीं हो रहा जीएसटी से। देश का अगर टैक्स भरा जाएगा तो आपको जब ही तो पैसा मिलेगा वापस रिटर्न में, टैक्स नहीं भरोगे तो आपको मिला नहीं ना मेरे भाई कोई पैसा, अभी तक तो कोई पैसा मिला नहीं ना मेरे भाई, कितने कितने पैसे आने की बात थी सर, वो तो नॉर्मल पैसा था जो मुझे उसके बारे में ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है जानकारी कि मतलब उन्होंने ऐसे अपने मुंह से कहा था। भाई नोटबंदी में कितने लोग मरे, अपना ही पैसा, हमारा ही पैसा, और लाखों लोग मरे हैं नोटबंदी के अंदर, लाखों लोग मरे हैं, और अमीरों का फायदा हुआ है गरीबों, उसकी वजह से कितने पैसे वापस आए ये नहीं देखे आपने, कि जो ब्लैक में जा रहा था लोगों ने अपने पैसे जलाए हैं, अगर वो नहीं जलाते वो पैसा हमारे लिए खतरनाक होता बाद में टैक्स भरने के लिए। अब ये तो पता नहीं अब हमारे लिए खतरनाक होते हैं या मुश्किल होता, पर हमारे लिए तो भाई राहुल गांधी जी को ही जिताना चाहिए, वैसे तो एक मौका दिया जाए उसको। सर आपका क्या कहना है, मोदी या राहुल? मोदी सरकार बहुत अच्छे आदमी हैं, वो देश के लिए बहुत बहुत चीज किए हैं, वो तो ऐसे टाइम पे कर रहे हैं जब इलेक्शन आ रहे हैं, 80-90 साल में इतने चीज ने देखा जो चीज ने हमने देख लिया, हमारे आदमी को देश के बंदे मरते रहे हैं, ये लोग मुंह देखते रहे हैं। हम बीजेपी की सरकार का हम यही कहते हैं कि हमको देश रक्षा मरे। सर आपका क्या कहना है? वैसे इन्होंने जो बोला है पर एंड में जो हादसा हो गया पाकिस्तान वाला, पर इस वजह से थोड़ा मोदी जी को आप लोग पूछ रहे हैं, पर सर 1996 में भी एक हादसा हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी, कुछ नहीं हुआ था उस समय, क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ ये बात में तो है दम, वैसे मोदी जी ने वैसे बीजेपी की सरकार आई, दो बार ऐसा कुछ हुआ कि पाकिस्तान में घुस के मारा है। हाँ ये तो है, बहुत अच्छे काम किए हैं, जो भी वो सब दिन मार के जाता था, हमारे सरकार कुछ नहीं बोलता था, कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार घुस के मारते हैं। वैसे इस बार मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है, ये पहले और किसी नेताजी ने नहीं करा ये काम, पर मोदी जी ने ये काम बड़ा अच्छा करा कि घुसकर अंदर मारा लोगों को। तो मतलब भी अगर हम चाहेंगे वो जीते तो आगे भी, तो सर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ऐसा कैसे चलेगा, क्योंकि कांग्रेस तो कुछ करते ही नहीं है, ऐसा हमला कांग्रेस तो करती नहीं है 1996 में, और जितने भी पिछले रिकॉर्ड देखे जाएं सब में। ये बात तो सही कह रहे हो आप, मोदी जी ने वैसे पूरा फोर्स को ऑर्डर भी दिए, कांग्रेस ऑर्डर देता ही नहीं था, हमारे फौज मारता रहा, ठीक है हम गरीब आदमी है रोटी खाए नहीं खाए, मगर देश तो बचता रहे, वो मर जाएगा ना। तो आपकी बार किसकी सरकार? अभी इस अच्छे काम से तो भैया मोदी जी को आ जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ही आना चाहिए जरूरी है, अच्छे काम हो ना हो पर देश को बचाना जरूरी है, तो इस काम के लिए मोदी जी ठीक रहेंगे। चोर लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं। सर आपका इस बारे में क्या कहना है, किसकी सरकार, नरेंद्र मोदी या ओनली मोदी? राहुल गांधी बेकार है, पप्पू है कुछ काम नहीं करता, वो काम करते हैं बट एक्सपीरियंस नहीं है उतना, वो क्या भाषण देते हैं उनको, सभी सब जोक्स जैसे लगते हैं, सभी लोग हंसते हैं।
तो मोदी की सरकार ही आनी तय है। बढ़िया है। चौकीदार चोर कहा जा रहा है, इस बारे में कुछ कहना है आपको? चौकीदार जो चोर है वही बोल रहे हैं, मतलब जो खुद चोर है वही बोल रहे हैं चौकीदार चोर है। जीजा जी खुद ही बेल पे हैं, राहुल गांधी खुद बेल पे हैं, उनकी माता जी खुद बेल पे हैं। सर कांग्रेस सरकार आप कह रहे थे, सर ने कहा है कि अब चौकीदार चोर है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो हकीकत है मेरे भाई। क्या हकीकत है? ये हकीकत है, कितने सारे जितने हमारे देश का पैसा लेके सबसे पहले विजय माल्या कितना करोड़ रुपए लेके भाग गए, किसके टाइम में भागा? किसके जमाने में दिया गया है लोन? किसके जमाने में? कांग्रेस के जमाने में दिया गया। आप होमवर्क नहीं करके आए हो या तो? अच्छा ये हो सकता है फिर सारे जितने भी। अरे नीरव मोदी भाग गया, नीरव मोदी अरेस्ट हो गया, नीरव मोदी अरेस्ट हो चुका है सर लंदन में। यहाँ कब आएगा वो? सर वो भी आ जाएगा और विजय माल्या भी अरेस्ट हो रहा है। यहाँ पर जब आएगा, जब हमें दिखेगा ना कि यहाँ आएगा, जब काम जब ये आएगा यहाँ पर, जब भी तो हमें पता लगेगा ना कि वो हमारे देश में आए, हमारे इंडिया में आए। भाई साहब, भाई साहब, 4.5 साल से क्या बेरोजगारी हो गई है? 4.5 साल से क्या टेररिस्ट अटैक हो? ये 4.5 सालों में, 4.5 सालों में बहुत ज्यादा नहीं, ये बीमारी 70 साल की है, 4.5 साल में दूर नहीं होगी। 4.5 साल में बहुत कुछ बदला है, ये कहो आप, बहुत कुछ बदला है। आप देखो आजादी के बाद से पहली बार इतना इनकम टैक्स जमा हो रहा है लोगों का। कितने किसी के जीएसटी ना सब नंबर दो के काम कर रहे थे, जीएसटी आने से कितना फ़ायदा हुआ लोगों को, गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट क्या उसने दुकान खोल के थोड़ी बैठा है, जब गवर्नमेंट को टैक्स देगी कम जनता तभी तो रोड बनाएगी, फ्लाईओवर बनाएगा आपके लिए बनाएगी। हैं ये जो मोदी ने किया ना वो 4.5 साल में, वो 70 साल में किसी ने नहीं किया। मैं तो डंके की चोट पे बोल रहा हूँ आपको, शर्त लगा लो इस बात से। आप जाके गाँव में, एक गाँव में गया था मैं कार्ड बांटने, मेरे ब्रदर की शादी थी, हर चारों तरफ खेत है भाई, हर घर के आगे टॉयलेट बना हुआ है, हर घर के आगे प्रधानमंत्री आवास योजना है। मैं देख के आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी कट्टर कांग्रेसी था मगर अभी चेंज हो रहा है भाई, अब खुद को समय के साथ बदलना पड़ेगा आपको भी। सर कुछ कहना है कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस मेरे भाई। सर कांग्रेस की एक वजह, मैं आपके साथ हूँ, कांग्रेस की एक वजह दे दीजिए, हम संतुष्ट हैं। क्योंकि कांग्रेस को मैं इसलिए लाइक करता हूँ क्योंकि उसके राज में हर बंदा खुश था। अभी क्या दुख? हर बंदा खुश था। हाँ अभी क्या दुख है भाई? अभी 100 में से 70% बंदे हैं जो काफी परेशानी रहते हैं, हमारे बिजनेस ये हमारे बिजनेस ब्लैक मनी वाले, ब्लैक मनी वाले, ब्लैक मनी वाले या असली मनी वाले हो तो मनी वाले बताएंगे ना। परेशानी उनको है जो बेईमान थे, जो बेईमानी जो देखो ये ईमानदार सरकार है तो ईमानदारी से सब काम हो रहा है ना। परेशान वही है जो चोर थे वही परेशान है, ईमानदार आदमी नहीं परेशान है। हमें क्या, आपने रिक्शा चलाना है, मैंने ऑफिस जाना है, मैं अपना काम करके आऊँगा, मुझे क्या चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो। मगर ये होता है अपना देश आगे बढ़ना चाहिए, अपना देश बढ़ना चाहिए। तो ये बात तो हकीकत है कि अपना देश आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अपना देश जब भी आगे बढ़ेगा जब राहुल गांधी आएगा। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को कोई चांस देना चाहेगा? नहीं, उसमें भी इतनी मतलब वो नहीं है कि जो एक्सपीरियंस नहीं है उतना, तो हिसाब से नरेंद्र मोदी सही है। कांग्रेस में आई नहीं कोई, कोई चेहरा नहीं निकल सकता आपके हिसाब से? ना कोई भी नहीं, कांग्रेस में से कोई दिग्गज नेता है ही नहीं। महागठबंधन की बात करी जाए तो मायावती, अखिलेश यादव, इनमें पहली बात तो बनेगी नहीं आपस में ही, कोई कभी ये हो जाते हैं कभी फिर अलग अलग हो जाते हैं, तो हिसाब से इनकी आपस में बनेगी नहीं कभी भी। तो चौकीदार जो चोर बोला जा रहा है उस बारे में आपको कुछ बोलना है? चोर तो दूसरी पार्टी तो बोलेगी, चौकीदार है तो किसके लिए, हमारे अपने देश के लिए तो है चौकीदार, अगर दुनिया चौकीदार कह रही है उसको तो अपने देश के लिए तो चौकीदार है ना, वो अपने अपने फायदे के लिए है। लेकिन उसको पब्लिक गलत बोल रही है, चौकी वो चोर है, वो चोर नहीं है, वो देश के लिए अच्छा ही सोच रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार 2019 में लगातार चर्चा बनी हुई है कि चौकीदार चोर है, आपको इस बारे में कुछ बोलना है? नहीं, चौकीदार कोई चोर नहीं है, चौकीदार बहुत बढ़िया हमारा। तो मतलब राहुल गांधी या महागठबंधन का कोई चांस नहीं? नहीं, कोई चांस नहीं। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? ना मोदी को आना चाहिए जी। मोदी के अलावा कोई? ना कोई नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी? नहीं बिल्कुल नहीं, खाली मोदी को ही चाहिए, सारे यही कह रहे हैं मोदी आना चाहिए। कोई मायावती, अखिलेश, कोई नहीं, सारे नेता चोर हैं, सिर्फ मोदी सही है, देश के लिए मोदी बढ़िया, देश के लिए, आम जनता के लिए, सबके लिए एक मोदी सही। तो मतलब कुल मिलाकर अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, उसके अलावा कोई भी नहीं है। जितने भी लोगों से, ज्यादातर लोगों से हम मिले और लोगों का यही मानना है कि अब की बार मोदी सरकार,
ऐसी ही लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आपको पता लगता रहेगा कि लोग क्या जानना चाहते हैं और क्या पसंद करते हैं। अब की बार मोदी सरकार ऐसा लोग कह रहे हैं।